नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। पुलिस प्रशासन की अनूठी पहल के तहत पुलिस लाइन में आज पौधारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरुण मेहरा, उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग व जिला स्तर एवं न्यायाधीश के साथ साथ चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर विजय कायत ने शिरकत की और एक एक पौधा लगा करके पौधारोपण अभियान की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि व विभिन्न विभागों के कर्मचारी भी शामिल हुए, जिन्होंने न केवल पौधारोपण किया बल्कि पौधे भी वितरित किए। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरुण मेहरा ने कहा कि वे पिछले कई वर्षों से इस तरह के अभियान को शुरू किए हुए हैं। उन्होंने बताया कि आज इस कार्यक्रम के तहत 5000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि आज करीबन 600 पौधे लगाए जा चुके हैं और वन विभाग की सहायता से 4000 पौधे वितरित भी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि आज कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों को दो दो पौधे वितरित किए गए हैं और सभी को पौधे लगा करके उन्हें संभालने का भी संदेश दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस अभियान का मकसद पर्यावरण को शुद्धि प्रदान करना है। पल पल सिरसा से अमर सिंह जानी की विशेष रिपोर्ट। पिछले 17 साल से हमारा लक्ष्य है 5000 पौधे हर साल लगवाते हैं, तो 600 पौधे हम लगा चुके, 4000 आज हमने दिए हैं, तो 400 करीब और रह जाएंगे, तो 5000 का है। तो DFO साहब से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हमने रिक्वेस्ट की थी और आज सारे अधिकारीगण से भी रिक्वेस्ट की थी, आप आओ मैसेज अच्छा जाएगा, जिसमें हमें ग्रामीणांचल से लोग हैं, शहर के MCs हैं और बच्चे हैं, स्पोर्ट्स के लोग हैं, हमारे कर्मचारी हैं, तीनों चारों विभाग के, सिविल के भी और हमारे भी, उनको यही कहा है कि दो दो पौधे सभी लगाएं ताकि पर्यावरण का शुद्धिकरण रहे, इससे जो अनिवन हो रहा है हमारा वेदर वो ठीक रहे, तो अति आवश्यक है ये मैसेज मेनली वो था। इसमें पौधे लगा दिए जाते हैं, उनको संभाल रखने किस तरह उनको मैसेज दिया जाए, ये इसमें हमने इसे 5000 पौधे लगाते हैं ऐसे नहीं, उसमें 80% सर्वाइव करते हैं, कोई कुदरत की वजह से अगर नहीं रहता तो अलग बात है, सेफ जगह जैसे पुलिस कैंपस में लगाएं बिल्कुल सेफ है, यहाँ पुलिस स्टेशन में लगाएं वो भी सेफ है, पुलिस चौक में लगाएं वो भी सेफ है, जिन जो प्राइवेट लोगों को दिया है उनसे भी ये आग्रह किया है अपने घर में लगाएं या ऐसी जगह लगाएं सेफ, ताकि वो पौधा पनप पाए, चल पाए। धन्यवाद करना चाहूँगा SP साहब का, जो आज इन्होंने इनिशिएटिव लेके पुलिस लाइन में पौधे लगा भी रहे हैं और इसके अलावा फॉरेस्ट विभाग की मदद से सारे पुलिस कर्मचारियों को, प्रशासन के कर्मचारियों को, जुडिशियल कर्मचारियों को और स्पोर्ट्स पर्सन को, पंचायत के, गांव के लोगों को पौधे बांटे जा रहे हैं। मैसेज ये है कि पौधे हमारे जीवन के लिए, पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ताकि लोगों में जागरूकता फैले और लोग अपने स्तर पर बिना प्रशासन की मदद के भी पौधे लगाएँ और धरती हरी भरी हो। देखिए, जिला प्रशासन की ओर से और विशेषकर हमारे यहाँ पुलिस प्रशासन की ओर से मैं SP साहब को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने आज, समय की मांग है कि पर्यावरण हमारा शुद्ध होता जा रहा है, उसको बनाए रखने के लिए आज ये पौधे लगाए हैं, लगाने का अभियान चलाया है। और कि विशेष बात है, मैं जो देख रहा हूँ कि जन अभियान में इन्होंने बदल दिया इसको, स्कूलों के बच्चे, कॉलेजों के और आम जनता के लोग, पंचायतों से बुजुर्ग लोग और आसपास के गांव के लोग सब आए हैं और हज़ारों पौधे इन्होंने उनको दिए हैं। और मैं देख रहा हूँ कि बच्चे और महिलाएं और सभी जो है के सामान्य लोग सब आए हुए हैं और खुशी से पौधे लेके जा रहे हैं और वो लगा रहे हैं इनको, तो ये एक बहुत अच्छा कदम है।